हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में कोरोना से मुक्त होंगे और अपने स्टडी रूटीन मेंटेन कर रखे होंगे, कि रूटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर एनीथिंग्स, फॉर सक्सेस। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के अनुसार टीचर तैयार कर रहे, पहली तैयार चल रही है, उसके हम लोग टाइप केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन टाइप हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग कंबिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। और आगे के में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस वही होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन द सॉल्यूशन। ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव पोस्कम अजितल वो मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैंगनीज, एचजी, मरकरी, इस तरह याद कर सकते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है मोर रिएक्टिव
हम लोग क्या ले लिया है, लिटिल पेपर सॉल्यूशन टू लीटर पर टू लीटर मस क्या कर लिया, इट मस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या हुआ फिनोप्रिलिन, सॉल्यूशन सैंपल क्या कह लिए हम लोग, हम लोगों ने इधर कर दिया H2SO4 HNO3 एस्टिक एसिड, आपको ढेर सारा क्या लेंगे एस्टिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 बेस क्या कह लेंगे, बेस क्या लेंगे KaOH KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ये ले लेंगे आप, ये बेस हो जाएगा बेस, और कौन सा बेस है NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सारा आपका एसिड और बेस ले लिए, ये बेस लेके इंडिकेट करें क्या इंडिकेटर शो करेगा रेडनेस पेपर, पेपर रेडनेस पेपर को क्या होगा ये एसिड है तो क्या होगा रेड टू ब्लू हो जाएगा, सॉरी ब्लू क्या होगा, ब्लू क्या होगा ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड बी टू आर, उसके बाद आपका जब बेस हो जाएगा क्या होगा, बेस क्या होगा रेड टू तक पेपर क्या कहता रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू ये आपका इंडिकेटर में से इंडिकेट्स पता चल जाएगा आपका, ये हो गया लेबोरेटरी मेथड से आपने ले लिया क्या सोल्यूशन लिया सभी का सोल्यूशन ले लिया और सैंपल भी ले लिया आप लोगों ने, सैंपल क्या के लिया एसिड, कुछ एसिड लिए कुछ बेसिस लिए, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए सल्फ्यूरिक एसिड एस्टिक एसिड नाइट्रिक एसिड और बेसिस में क्या लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब लिए, ये सब लेने के बाद हम लोगों ने इंडिकेटर ले लिया रेड रेड सोल्यूशन इंडिकेटर ब्लू सोल्यूशन इंडिकेटर फिनोप्रिलिन और मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज ये सब का आपने नहीं दिया है ये बात आपको बता देता हूँ क्या होगा पर्पल, इसमें क्या दिया पर्पल कलर मिथिल ऑरेंज पर्पल पिंक कलर सो द पिंक कलर, एसिड क्या देगा पिंक कलर देगा क्या करेगा आपका पिंक कलर देगा क्या देगा मिथिल में पिंक कलर देगा, इंडिकेटर क्या किस क्या है इंडिकेटर आर हम लोग दो तरह जानते हैं इस प्रकार तीन प्रकार और तीसरा और जा सकते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब जो आपको महक पता चले कौन सा एसिड है कौन बेस है कौन सॉल्ट है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, तीसरा प्रकार का इंडिकेटर हम लोग इस अध्ययन से पता करेंगे, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर भी होता है जो टेंथ में दिया हुआ है आपका सिलेबस में ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ये सब आप लोग जान लिया है एसिड में एसिड तब पिंक रहेगा पिंक कलर देता है पिंक कलर देता है में मिलता है ये तो आपका केमिकल इंडिकेटर
ये नेचुरल इंडिकेटर आपका है और ये केमिकल इंडिकेटर है। और तीसरे तरह का इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा चौथा प्रकार का इंडिकेटर होता है? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब गंध से आप पता चल रहे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब आपको गंध से पता चल रहा है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, एसिड है कि बेस है, सॉल्ट है। आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या पता चलेगा? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। इसे आप पता चल जाएगा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो हमने क्या जाना? इंडिकेटर सब्सटेंस विच डिटेक्ट द आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेस और सॉल्ट। आपका हो गया। नेक्स्ट फिर से दूसरी एक्टिविटी करते हैं।